Hey welcome back आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्ज नदरी मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत दिन से ना सोच रहा था कि आपको ना एक ऐसा वीडियो दूं जिसके तहत आप बिल्कुल बेसिक से क्योंकि बहुत सारे चीज़ ऐसा होता है तो तो किताब में नहीं मिलता है जैसे आपको बोलना हो के से कहा के सक तो नहीं मिलता एक्चुअली क्या है समस्या हम लोगों की कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग को बुक में नहीं मिलता तो हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम तरीके से हर चीज़ को सिखाऊं बिल्कुल जड़ से जैसे कोई भी चीज आधा और पूरा क्या होता है तो इसको मैं चाह रहा हूं बिल्कुल जड़ से काम कराऊं जैसे मान लो कि आप क्या लिखते हो आप क्या लिखते हो तो आपको पता है कि क्या का अंग्रेजी क्या होता है लेकिन यही कॉन्सेप्ट तो गलत है चूंकि कॉन्सेप्ट गलत इसलिए है कि के का मतलब फूल का नहीं होता के का मतलब आधा का होता है तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जिसके तहत आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा तो मेरे साथ एक्चुअली क्या है कि आप जब यहां पढ़ो तो पढ़ने के साथ सारे बच्चे को मिल करके आपस में बैठ करके डिस्कशन करो और तब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा तब आप अंग्रेजी आपका बेहतर हो जाएगा के सिक्का और केस जो बोलेंगे वो आधा का होगा के से आधा का के से का के एच से खा और जितना वर्ड बोल रहा हूं ये सबका मतलब हाफ होता है तो के एच मतलब आधा खा जी का मतलब आधा ग जी मतलब ग लेकिन आधा ग क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ते थे आज से 10 साल पहले 5 साल पहले आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो जी का मतलब ग पढ़ाया होगा तो जी का मतलब आधा ग जी एच आधा ग जी एच आधा ग सी एच आधा च सी डब्ल्यू एच आधा छ तो ये हाफ है सी एच सी डब्ल्यू छ लेकिन हम लोग रियल क्या होगा आधा छ जैसे ज लेकिन कितना जा हाफ ज तो जे मतलब ज लेकिन कितना आधा ज जे एच जा. कितना झ आधा ज तो हिंदी ऐसा क्यों होता है पता है क्योंकि हिंदी में 52 टू वर्ण है और अंग्रेजी में 26 सिक्स है तो बोलो जस्ट आधा हुआ कि नहीं हुआ अंग्रेजी में 26 26 छब्बीस और हिंदी में बावन 52 तो बोलो अंग्रेजी से हिंदी जस्ट आधा है कि नहीं है तो इसलिए आधे लेटर होते हैं अब बताऊंगा इसको तो एग्जाम्पल देख करके लिख करके तब आपको समझ में बेहतर आएगा तो हमने बोला जे से ज आधा ज जे से झ आधा जा। अब देखो अगला है टी टी का मतलब ट लेकिन पूरा ट नहीं आधा ट टी एच ठा कितना था? आधा डी से डा डी से डा लेकिन आधा डा डी से ढा लेकिन आधा ढा, एन से ना लेकिन आधा ना, टी से ता लेकिन आधा ता, यानी टा और ता लगभग दोनों का साउंड सेम होता है, तो टी से आधा ता, टीएस से था लेकिन आधा था, डी से द लेकिन आधा द और डीएस से ढा लेकिन आधा ढा, एन से ना लेकिन आधा ना तो आप देख रहे हो तो ये सारे मैं आपको दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप याद करोगे अगला देखो पी से पा आधा तो पी से आधा पी एच से फा, फा के लिए हम एफ भी लिख सकते हैं एफ से भी फा और पी एच से भी फ लेकिन आधा फ बी से बा आधा बा आधा ब को हम लोग बी से बोलते हैं बी एच से भा कितना भा आधा भा बी एच से आधा भा एम से आधा म एम से म कितना म आधा म या से या का वाई वाई से या आधा या आर से आधा र एल से आधा ल व व के लिए डब्लू भी है और वी भी है लेकिन दोनों का व कितना हुआ आधा व आधा व के लिए डब्लू और वी श एस एच एस एच से श और एस एस से श और एस से सा, सा जो दंत स होता है उसके लिए एस का प्रयोग करेंगे और एस से श और शा लेकिन आधा आधा एच से हा, हा के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं और छ के लिए के एस एच छ के लिए के एस एच का प्रयोग करते हैं और ग्या के लिए जी वाई से ग्या का प्रयोग करते हैं अब इकट्ठे देख लो के से का

एसे 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 के और ग्या। तो आपने क्या देखा अब आपने देखा के से का, के से का, जी से गा जी से गा अब मेरा कहना यह है कि जैसे आप हिंदी और अंग्रेजी में अंतर जैसे देखो हिंदी के वर्णमाला कितने होते हैं जैसे बताना मुझे हिंदी में होते हैं फिफ्टी टू और अंग्रेजी में कितने होते हैं 26 होते हैं ना तो बताओ मुझे जस्ट हाफ हुआ कि नहीं हुआ यहां होता है फिफ्टी टू यहां होता है ट्वेंटी सिक्स तो जस्ट आधा हुआ जस्ट हाफ हुआ जैसे आप लिखते हो क लिखते हो मा, ला। लिखते हो ना अब देखो बताओ मुझे कि के से का एम से मा, एल से ल आप लिखते हो रमन आप समझो मैं सिखाना क्या चाहता हूं आप लिखा आपने रमन क्या लिखा आपने रमन आप लिखा आर आपने लिखा एम आपने लिखा न अब जरा मुझे बताओ <clears throat> कि अगर हमने इसे तीनों को प्लस कर दिया इसे प्लस कर दिया इसे प्लस कर दिया इसे प्लस कर दिया तो इसको बराबर हमने कर दिया रमन इसको हमने कर दिया कमल तो क्या हम लोग इसे आर एम एन रमन कर सकते हैं क्या इसे हमने के एम एल कमल कर सकते हैं तो तो कि ना सर ये तो कभी हो ही नहीं सकता तो प्रश्न उठता है क्यों नहीं हो सकता अगर तुम्हारा आर से रा है अगर तुम्हारा एम से न है अगर तुम्हारा एन से ना है तो फिर क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है तो कहोगे नहीं सर ये तो गलत है तो सही क्या होगा बेटा वो बता मुझे तो आप कहोगे कि सर आर ए, एम ए एन होगा सर के ए, एम ए एल होगा कमल होगा के ए एम एल करना पड़ेगा अब प्रश्न उठता है कि अगर तुम आर से रा पढ़ रहे हो एम से मा पढ़ रहे हो एन से न पढ़ रहे हो तो इसे रमन पढ़ने में क्या आपत्ति है तो ध्यान देना बच्चे अंग्रेजी हिंदी के जस्ट आधा है तो जस्ट आधा इसकी संख्या 52 इसकी संख्या 26 तो जस्ट आधा है इसीलिए किसी भी दो लेटर हिंदी के दो लेटर एक साथ आ जाते हैं जैसे हिंदी में आर अलग है एम म अलग है न अलग है तो तीनों अलग लेटर हैं एक साथ आ सकते हैं लेकिन अंग्रेजी का कोई भी लेटर एक साथ बिना वोवेल के संभव नहीं है क्यों सर क्योंकि जब बिना वोवेल लिखेंगे तो इसको आप आधा पढ़िए जैसे के का मतलब होता है बच्चे आधा क के एच का मतलब होता है बच्चे आधा ख जी जी का मतलब होता है आधा ग जी एच का मतलब होता है आधा घ बस में रहो तो घ में आधा तो आपको ये जानना है कि के का मतलब आधा का जब इसमें के में ए लगाएंगे तब हो जाएगा क एम में ए लगाएंगे तब हो जाएगा म एल में ए लगाएंगे तो हो जाएगा ल तो तो के एम एल ए कमल तो कमल में को हमने खींच लिया जैसे बोलते हैं देखो गौर से हमने बोल दिया कमल अब क तभी आया जो हमने वहां पे आ बोला क तो क्या क्या हमने K A M A L यहाँ पे करना क्या है कि जब भी आप दो से अधिक लेटर को जब आप जोड़ने का प्रयास करें तो आप वहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल नहीं आप करो कि लेटर ए का प्रयोग कर सकते हो तो लेटर ए क्यों होता वो समझना जब भी कोई से दो से अधिक लेटर यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ समझने का प्रयास करना हमने लिखा यहाँ पे कमल हम लिखा रमन हमने लिखा जापान है ना अब जापान बोलो चाहे जपन बोलो है ना अब यहां देखो मैं लिखा रट बट कट बट रम अब देखो दिखा आपने यहाँ पे अब आप यहाँ पे दो लेटर हैं यहाँ पे दो से अधिक लेटर हैं मैं सिखाना क्या चाहता हूँ वो सीखिए मैं सिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों को सोचते हैं कि जैसा हिंदी वैसा अंग्रेजी तो ऐसे नहीं होता हिंदी अलग अंग्रेजी अलग होता है अब देखो दो लेटर है रट बट कट बट रम अब देखो रम है तो आर ही पता है एम भी पता है तो बीच में हम लोगों को यू लगाना पड़ेगा अब हुआ ये रम बट है तो बी है और टी है यू लगाना पड़ेगा तब हो गया बट कट है सी है और टी है यू लगा दिया अब कट हो गया बट है बी है और टी है यू हो गया रट है आर है टी है रट हो गया अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि किसी भी दो लेटर को जोड़ने के लिए नाइन्टी परसेंट नॉट हंड्रेड परसेंट हमेशा सत्य नहीं होता 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट केस में हम लोग दो लेटर को जोड़ने के लिए यू भॉवेल का यूज करते हैं और दो से अधिक जो बड़े लेटर होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम लोग एक का प्रयोग करते हैं फिर सुन लो दो लेटर को जोड़ने के लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं अक्सर और दो से जो बड़े होते हैं उसको जोड़ने के लिए अक्सर 90 परसेंट हम लोग एक का प्रयोग करते हैं जैसे जापान बोलो चाहे जापान बोलो जे हो गया पी जे पी एन जापाना बीच में ये लगा दिया जापान पढ़ो चाहे जापान पढ़ो हमने बोल दिया राम माना आर बोला एम बोला एन बोला बीच में ये लगा दिया अब हो गया रमन कमल था के एम एल कर दिया बीच में ए लग दिया अब कमाल पढ़ो चाहे कमल पढ़ो यहाँ पे जानने की आवश्यकता ये है किसी भी वर्ड को लेटर को आप कैसे लिखते हो जब आप यहाँ पे लिखना आ जाएगा तो आपके लेटर जो होते हैं इस तरह से आप सीखोगे बेहतर आपके पास कॉन्सेप्ट मिलना शुरू हो जाएगा मैं चाहता क्या हूँ मैं चाहता हूँ कि आपका जो अंग्रेजी है एक अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाए अब अंतिम में मान लो एक लगा क्वेश्चन पूछा था कि सर रमन आपने लिखा तो आर से एम लिखा एम

तब जाकर के यहाँ पे रमन तैयार हुआ यहाँ पे प्लस आ करेंगे तब ना ए लगेगा अंत में तो यहाँ पे देखो ध्यान दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ पे तो यहाँ कर दिया हमने आर यहाँ पे कर दिया एम यहाँ पे कर दिया ना, अब इस आ के लिए हमने क्या लगा दिया ए लगा दिया देखा कॉन्सेप्ट को हमने खींच लिया अगर एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना होता जैसे आ लगाना होता तो यहाँ पे प्लस क्या हो गया जो आ करते तब तो यहाँ पे रमना करना पड़ता देख रहे हो अब इस तरह से लिखा क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल अब ऐसे बनेगा बिल्कुल तोड़ के सिखा रहा हूं ऐसा तुमको क्लास नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर बिल्कुल हर चीज को तोड़ करके कैसे नहीं सीखोगे इससे ज्यादा बेसिक होता है क्या इससे बड़ा बेसिक क्या हो सकता है बिल्कुल जड़ पे काम कर रहा हूं अगर यहाँ नहीं सीखे ना बेटा तो फिर मुश्किल हो जाएगा अब देखो कमल लिखा अब देखो के लिखा एम लिखा ए लिखा राइट अब देखो आ आ है कि नहीं है तो क्या लगा दिया हमने ए लगा दिया अब हो गया कमल अगर यहाँ पे कमला बोलना होता प्लस आ करना होता तब तो हम लोग कमला में ए लगाते लेकिन ऐसा तो करना है नहीं तो इस तरह से अगर आप सोचोगे दिमाग लगाओगे तो आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा मेरे दोस्त बस एक बार करने का प्रयास करो बड़े बड़े सब लिख सकते हो इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं मैं चाहता यह हूं कि आप डी में आ करके क्लास मेरा ले सकते हो आप चाहो तो डीएसएल में आ जाओ और आ करके एक बार बेहतरीन क्लास लो इसके साथ साथ मैं चाहता क्या हूं कि आप घर बैठे भी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास डीएसएल का ऐप डाउनलोड करके भी क्लास ले सकते हो इसके साथ साथ आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर के भी पूरा ब्यौरा पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हो आप चाहो तो फेसबुक से लेकर के यूट्यूब से लेकर के आप व्हाट्सएप तक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है उस नंबर पर कॉल कर सकते हो चैटिंग कर सकते हो इसके साथ साथ आप दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली आकर के भी दुनिया के किसी कोने में हो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो अब दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आकर के आई से मेरे साथ बैठ के सामने पढ़ सकते हो मैं सिखाऊंगा अगर आप सीखने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा तरह से हर बच्चे के साथ हर मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट हो सब लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जान पाए और सीख पाए मैं हमेशा आपके साथ आपके आप सिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच